रिकॉर्डिंग जो है कोई अगर मिस कर देता है उसको बाद में हम ये रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, या ग्रुप में गुड रिकॉर्डिंग हो गया। शेयर हो जाएगी। अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसका बाय पार्ट्स फार्मूला। बाय पार्ट्स फार्मूला में आप लोगों को बताया था कि आई लेट सी वाला फार्मूला यूज होता है। ये क्या कर रहे हैं, कोई ज्वाइन होते जा रहे हैं फिर स्किप करते जा रहे हैं। ये उनको पसंद नहीं आ रहा। नहीं, बात पसंद नाम पसंद की नहीं है, वो मेरे ख्याल में ये मसला होना है। आज फर्स्ट डे है ना, तो ग्रुप ऐसा बना हुआ है कि ग्रुप में बायो वाले और मैथ वाले इकट्ठे हैं, तो जो जो आता जा रहा है जिसको लिंक आता है वो समझता है बायो का भी यही है मैथ का भी यही है, वो लिंक ओपन कर लेते हैं। यस सर। ये मसला है, वो फर्स्ट ईयर के आगे तकरीबन 25-30 हो गए पहले, और फिर बाद में तकरीबन 12-11-12 पे रह गए। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा भी ये था लास्ट टाइम, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास था ही नहीं, इसमें आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करना। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था लास्ट टाइम कि हमारे पास आई लेट सी वाला फार्मूला लगता है बाय पार्ट्स फार्मूला में ना। बाय पार्ट्स फार्मूला में आई लेट सी, आई आई लेट सी, आई से आपको पता है क्या होता है हमारे पास, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर दो आते हैं, लेट सपोज जैसे हमें पता है कि ये हमारे पास लॉग, इसका डेरिवेटिव तो होता है, इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती हमारे पास, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने बाय पार्ट से इसको सॉल्व कैसे करना है, मतलब फर्स्ट फंक्शन कौन सा रखना है, सेकंड फंक्शन कौन सा रखना है। अब इसके साथ लॉग के साथ हमारे पास इधर आ रहा है 1, अब जब 1 आएगा हमारे पास तो 1 उसको हमने, इसकी हमारे पास जिसकी इंटीग्रेशन मौजूद ना उसको हमने फर्स्ट फंक्शन रख लेना है, और जो इसके साथ आ रहा है 1 उसको हमने रख लेना है सेकेंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमें इसने बताया है कि हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आएगा और कांस्टेंट फंक्शन बाद में, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन का नाम दे दिया और कांस्टेंट को हमने सेकंड का। अब इस पे ये देखें लॉग एक्स और 1, अब वही फार्मूला हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, सेकंड फंक्शन 1 है, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंड, इसको बोलते हैं बेसिकली इंटीग्रेंड, डबल इंटीग्रेशन आ जाती है ना इसमें, मतलब जिसकी इंटीग्रेशन पहले ली है उसकी दोबारा इंटीग्रेशन लेनी है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन पहले ली है ना वही फंक्शन हमारे पास इधर आ गया और इसकी इंटीग्रेशन दोबारा, और लॉग एक्स वाले पहले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेंगे वो होता है 1/x, एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो गया, इधर बच गया हमारे पास 1। ये तो हमारे पास इनको तरतीब से लिख लिया हमने, एक्स लॉग एक्स, इधर रह गया माइनस 1 dx। 1 का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स, और एट द एंड हमने कांस्टेंट सी लगा देना है। कांस्टेंट सी का आपको हाउ नाउ अच्छे से है, इसके बारे में आपको डिस्कस किया हुआ था पहले, बताया हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? यस सर।
अच्छा इसके हमने फर्स्ट सेकंड ईयर दोनों क्लासेस में ना मैंने करवाए थे पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तकरीबन उसमें से ना चार पांच पार्ट मैंने करवा दिए थे, तकरीबन 10 इनवर्स तक करवाए थे मेरे ख्याल में, शायद मैं चेक कर लेता हूँ। 10 इनवर्स तक करवाए थे मैंने ना क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा। हाँ ये 10 इनवर्स, ये 10 इनवर्स शुरू करना था इधर से ना। बाकी क्वेश्चन आपको करवाए हुए थे, अगर कहते हो तो मैं रिपीट करवा देता हूँ। ये करवा दें रिपीट। हाँ रिपीट करवा दें। अब सेकंड पार्ट में इसके ये वाला क्वेश्चन है, किसी के पास बुक पड़ी हुई है साथ? यस यस सर, पढ़ी हुई है तो उसमें पहला पहले का दूसरा पार्ट है फिर। सर। एक सेकंड, वो नई बुक निकालो जरा। एक जी, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है। सेकेंड है, थर्ड है। हाँ ठीक है, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद बता देना सिक्स पार्ट है, फिर सिक्स उसके पार्ट बाद। है सर। हाँ ठीक हो गया, सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास वो कहता है लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स का जैसे हमने ऊपर किया है वही फार्मूला वही है, इसमें भी आई लेट सी वाला फार्मूला लगाएंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है और अलजेब्राइक बाद में आ रहा है, क्योंकि एल पहले आता है और बाद में ए आता है। आई लेट लॉगरिथमिक को हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और सॉरी जो आ गया हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन उसको हम सेकंड फंक्शन रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इधर हमारे पास शो कर रहे हैं, जब हम लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन रख लिया तो उसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होगा, सेकंड फंक्शन हमारे पास था एक्स, उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस, यही जो इंटीग्रेशन हम लेते हैं ना इधर, वही इंटीग्रेशन हमने दोबारा इधर लिख देनी है, एक्स स्क्वायर ओवर 2, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ले लेना। फर्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा था? लॉग एक्स, उसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 1 ओवर एक्स। इधर से हमारे पास टर्म बन गई एक्स स्क्वायर ओवर 2 लॉग एक्स, उसको तरतीब से लिख दिया, एक्स स्क्वायर ओवर 2 पहले लिख दिया, लॉग एक्स बाद में लिख दिया माइनस। अब ये देखें, एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, 1 ओवर 2 इसने क्या किया, कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, अंदर टर्म क्या रहेगी? ओनली एक्स। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास? एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब ये देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 2, एक्स स्क्वायर ओवर 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, पीछे क्या रह गया हमारे पास? लॉग एक्स माइनस 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। हाँ जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। नो सर। क्लियर है सबको? उमर क्लियर है आपको? यस सर। सही हो गया। ठीक है, हसन जमील, हसन जमील वो दूसरे मौलवी साहब हैं? नहीं सर, वो एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट साहब, सही हो गया। अच्छा अभी इसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 इसने दिया नहीं हुआ, चले कोई इशू नहीं, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट क्या है उसकी? एक्स की पावर 4 नेचुरल लॉग एक्स। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 एक्स नेचुरल लॉग एक्स इनटू डी एक्स। ln x, ठीक हो गया।
ये क्वेश्चन आ गया अभी। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है अपना, कौन बताएगा मुझे? हसन, हसन आप ही बताओ इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको रखेंगे, सेकंड फंक्शन किसको रखेंगे? हसन जमील हसन आपकी लोग वाले को पहले रखेंगे। हाँ शाबाश, लोग वाले को हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और जो हमारे पास है एक्स अलजेब्रिक है वो हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा। अच्छा इसमें करना क्या है, लॉग वाले को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे तो लॉग एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल एज इट इज वैसे आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर एक्स की फोर है, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, एक्स की पावर फाइव, एक्स फाइव ओवर फाइव, नीचे भी क्या आ जाएगा फाइव माइनस, उसी तरह इंटीग्रेशन ये दोबारा यही लिख देनी है हमारे पास, इंटीग्रेशन जो आएगी एक्स की पावर फाइव ओवर फाइव और लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया वन ओवर एक्स। अब उसी तरह जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस पावर चेंज हो गई है उसमें ना। अब क्या करेंगे, x x से एक कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगी x की पावर 4। अब हमारे पास ये सारे का सारा फंक्शन एज इट इज हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला एज इट इज आ जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 5 और अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी x की पावर 4 प्लस सॉरी dx। अब हमारे पास फर्स्ट वाली इंटीग्रेशन वैसे की वैसी रहेगी इधर उसी तरह x की पावर 5 ओवर 5, इधर बन जाएगा हमारे पास x की पावर 5 ओवर 5, हमारे पास बाद में आ जाएगा log x ln x माइनस 1 ओवर 5 पहले था एक हमारे पास और 5 x की पावर 4 की जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा x की पावर 4 ओवर सॉरी x की पावर 4 है तो इधर बन जाएगा हमारे पास x की पावर 5, इधर हमारे पास बन जाएगा x की पावर 5 ओवर 5। नेक्स्ट अगर स्टेप करना है तो कर लें, अदरवाइज इधर ही इसको छोड़ दें। नेक्स्ट स्टेप में इसके में क्या करेंगे, एक्स ओवर एक्स की पावर 5 ओवर 5 दोनों में कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लेंगे, दरमियान में हमारे पास रह जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 ओवर 5। हाँ भी अली क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। अरीज आपको क्लियर है इधर से? ओके अरेज कर दूं फिर इसको, अली नोट करना तो नहीं? नो नो सर। अच्छा मैंने कहा फिर बाद में आपने कहना सर अभी तो नोट नहीं किया। ये वो मैं तेज हो गया हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह और तेजी बढ़ाई आपने। स्क्रीनशॉट किस दिन काम आने? हाँ ये भी है, वैसे मैंने इसकी रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में शुरू कर दी है, मैंने ना रिकॉर्डिंग कर दी है सर, तो वो रिकॉर्डिंग में आपके साथ बाद में भी शेयर कर दूंगा, मतलब स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है फिर आपको, मतलब डायरेक्ट ही आपका ना रिकॉर्डिंग जो भी इशू होगा वो रिकॉर्डिंग में मतलब आप निकाल के उसको सुन सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अभी? सेवन पर। क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक हो गया। ये इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के रिस्पेक्ट, ये इम्पोर्टेंट है। एक मिनट एक मिनट।
अच्छा भी आप लोगों ने पहले ये क्लास ली नहीं है इस तरह जूम के हवाले से? यस सर। तो फिर इसमें प्रॉब्लम मुझे नहीं पता लग रहा क्या क्या आ रही है, मतलब ना तो ये बताएं क्या हुआ है? नहीं चाहते कि बच्चे कह रहे हैं कि मतलब समझ नहीं लग रही सर कैसे हमने ज्वाइन करना है। ये सिर्फ जो लिंक आ रहा है ना, सिर्फ उस पर क्लिक करना है लिंक बस, में अगर जस्ट आपने आपने साइन इन क्लिक, नहीं किया हाँ हुआ। बिल्कुल ऐसे ही लिंक जस्ट क्लिक करना है आपने तो ऑटोमेटिकली आपका डायरेक्ट इसी क्लास में आ जाना। वो सब पहले, बस सबसे पहले आपका नाम पूछेंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं फिर बाकी अल्लाह के हवाले। अच्छा अभी ये आ रहा है नेक्स्ट हमारे पास, किसको मैं आ गया, अच्छा अभी नेक्स्ट है हमारे पास टेन इनवर्स। अब उसी तरह फार्मूला जो हमारे पास था आई लेट सी, आई लेट सी में हमारे पास अब इसमें टेन इनवर्स में हमारे पास टेन इनवर्स का डेरिवेटिव तो मौजूद है लेकिन टेन इनवर्स की इंटीग्रेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो उस पर हमारे पास लगता है इसमें फार्मूला बाय पार्ट्स, जब बाय पार्ट्स फार्मूला लगाएंगे तो उसमें हमारे पास लाजमी बात हमें देखना है कि कॉन्स्टेंट भी कोई हमारे पास हो। तो वन तो इसमें हमारे पास नॉर्मली होता ही होता है, हम इसको रख लेंगे फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स क्योंकि इसके इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद नहीं, अगर होती तो हम इसी स्टेप में कंप्लीट कर देते। कांस्टेंट को हम रख लेंगे सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वैसे का वैसे, वन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ गया एक्स माइनस इंटीग्रेशन, वन की इंटीग्रेशन वही एक्स और टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखना था हमारे पास नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, हमारे पास आना चाहिए था 2x, इधर किसकी कमी थी 2 की, हमने ने इधर क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। ये स्टेप हमने अपने तरफ से किया है, क्यों किया है नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए। नीचे वाले फंक्शन का जब ऊपर डेरिवेटिव होता है तो हम उसको किस में लिख देते हैं नेचुरल लॉग में। तो ये देखो इसने पूरे स्टेप किए हैं, इधर ये लिख रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव उसका क्या बनना था 2x ही बनना था तो वो उसने उस फॉर्म में लिख दिया। तो हमने क्या करेंगे वन ओवर टू नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है तो उस पूरे को हम क्या लिख देंगे लॉग में, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छा भी चंद एक होता है इसमें ना गुंजाइश होती है कि सी नहीं लगाते तो वो नंबर मिल जाते हैं, लेकिन जो होते हैं सीनियर टीचर्स होते हैं ना जिसने सी ना लगाया हो तो उसके मार्क्स एक आध नंबर उनका ना मतलब वो काट लेते हैं सी ना लगाए। तो सी भी इधर सी को लाइट नहीं लेना आपने, सी बहुत यस सर। इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास अब कौन सा क्वेश्चन है, नाइन 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 है। है नाइन है। पार्ट नाइन। ओके हाफिज साहब आप जमात घर पे करवा रहे हो कि नहीं? अली साहब जी वो ना मैं पढ़ने जा रहा था, मैंने कहा पहले अपने उस्ताद इकराम की क्लास ले लूँ। चलें जी ये तो आपकी मेहरबानी। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर नाइन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसमें भी वही क्राइटेरिया लगना है, टेन इनवर्स फर्स्ट फंक्शन और ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन कह देना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब ओवर थ्री, दरमियान में माइनस एक्स क्यूब ओवर थ्री डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, टेन इनवर्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब मसला इधर बन गया है हमारे पास, इधर कौन सी फॉर्म आ गई इम्प्रॉपर फॉर्म आ गई, हमने इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर फॉर्म में। प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है डिवीजन का, डिवाइड का, मतलब हम करेंगे इसको एक्स हमारे पास आ गया एक्स क्यूब, इसको हमने तकसीम करना है एक्स स्क्वायर प्लस
आज ना ये मैं माउस ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, कल मैं वो पढ़ा हुआ वैकम, तो वैकम के साथ मतलब करेंगे तो वो क्लियर लिखा जाएगा। कोई मसला नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं। हाँ, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स, जब इनके साइन चेंज करेंगे इसका साइन भी माइनस हो गया, इसका साइन भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे तो इसका बन गया आंसर माइनस एक्स। तो इस टर्म को लिखते कैसे हम, एक्स माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाली टर्म ये देखे नीचे वाले स्टेप में लिखी हुई है ना, एक्स क्यूब ओवर थ्री टेन इनवर्स माइनस वन ओवर थ्री। अब ये वाली टर्म उसने ये तकसीम करने के बाद की है, ये जो तकसीम का अमल किया है ना डिवीजन का, ये पूरा अमल करने के बाद उसने क्या किया, पहले लिखते हैं एक्स, ये लिख दिया उसने एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली पूरी की पूरी टर्म हमारे पास इधर से ये हमने लिख। अब इसकी हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास दो तीन स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी। ये पता लग गया इधर से, यस सर। ओके। अच्छा अभी ये आ गया, अब 1/3 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ भी, इंटीग्रेशन एक्स की अलग, एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर की भी अलग करेंगे, और 1/3 इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1/3 एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अभी इसने इधर क्या कर दिया है, इसने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, ये माइनस माइनस ये नहीं था आना इधर, ये इधर प्लस ही आना था, वो प्लस माइनस साथ ही लेता चलता है उसको ना। ये जब इसको इसके साथ लगाएंगे, ये हमारे पास इतना पोर्शन इसके साथ भी लगेगा, और साथ dx, यही पोर्शन ये इसके साथ भी अटैच होगा और इसके साथ भी dx। फिर ये हमारे पास अब करना क्या है, नीचे वाले पोर्शन का ऊपर डेरिवेटिव, इसका तो हमें पता है, इसकी इंटीग्रेशन तो हमारे पास आ जाएगी सिंपल, वो क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर टू, इसका काम तो खत्म हो गया, मेन मसला था इसका। अब इधर 1/3 है, नीचे क्या आ रहा है फंक्शन 1 + x², उसका जब डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा 2x, इसका मतलब इधर 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, 2 3 = ये बन जाएगा हमारे पास 2 3 = 6 बन जाएगा। अब ये नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, तो इसको पूरे फंक्शन को हम नीचे वाले फंक्शन को किस में लिख देंगे, लॉग में, तो ये हमारे पास बन जाएगा पूरी टर्म ऐसी x³/3 tan⁻x, x²/6, ये आ गया हमारे पास प्लस, ये माइनस नहीं आएगा, तो ये ऐसे अब कट रही है इसके साथ 1/6, 1/2 और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 1/6 log 1 + x². अब ये क्वेश्चन था बेसिकली, वो जो इधर गड़बड़ कर रहा था ना उधर, चांद एक इधर क्या करते हैं कि इधर से ही इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, इसको सॉल्व इधर से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, एट द एंड मतलब जो आप उनका निकलता ही नहीं है, वो इधर से ही मतलब इनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर है, वो इनका एलसीएम खोल देते हैं, क्योंकि जब पेपर चेक करने का इत्तेफाक होता है ना तो उसमें मतलब उन्होंने यही गलती की होती है कि हालांकि अगर ये नीचे आके डिवाइड हो ना ऐसे, तो फिर हम करते हैं कोई ना कोई अगला प्रोसेस, तो वो क्या करते हैं, इनको करते हैं x³/1 x³/x², क्योंकि ऊपर सिंगल वैल्यू आ रही है, ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, अगर ऊपर डबल वैल्यू होती प्लस में कोई ना कोई वैल्यू होती, इधर भी नीचे वाले का हम एलसीएम अलग अलग कर सकते हैं, तो इधर से ये एलसीएम अलग अलग नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अभी, सही मैम 2 मिनट रह गए हैं, अगर करवाना तो करवा दें। 2 मिनट रह गए मेरे पास, तो 8 मिनट यस है, बस बहुत ये है। 5:20 पर नहीं होना, 5:20 नहीं ना, आपका कब शुरू हुआ है? सर 45 मिनट, 45 मिनट का लेक्चर है। हाँ, 45 मिनट का लेक्चर है ना, 45 मिनट पे जी स्टार्ट सर, हुआ है ना, 4:45 पे वो खत्म हुआ था। हाँ 4:40 पे पहले वाला खत्म हुआ है, 4:45 पे दूसरा शुरू हो गया था। चलें ठीक है सर, 13 है अगला पार्ट। हाँ, नेक्स्ट पार्ट 13 है। सपाट नेक्स्ट पार्ट 13 चेक करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट 13 में हमारे पास आएगा साइन इनवर्स। अब उसी तरह इनवर्स फंक्शन की हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद ही नहीं होती, इसका जस्ट ओनली डेरिवेटिव होता है। तो इसी तरह इसके साथ हमने वन लगा लेना है इनवर्स फंक्शन को आईलेट सी वाले फार्मूले से, जो आईलेट सी वाला फार्मूला है हमारे पास, उस फार्मूले से हमने इसको क्या कर लेना है, देखना है फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकेंड कौन सा है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन वन, सेकेंड फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज लिख लिया वैसे का वैसे, वन की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स माइनस इंटीग्रेशन दोबारा फिर एक्स की इंटीग्रेशन एक्स, और फर्स्ट वाले फंक्शन की जब डेरिवेटिव लेंगे वो क्या बन जाएगा वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखें आपने देखना है कि मतलब फंक्शन है, फंक्शन की पावर कितनी आ रही है वन बाय टू, तो ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा माइनस वन बाय टू। फंक्शन के अंदर जो भी हो टर्म उसका नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव बनता है माइनस टू एक्स, वन का जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, तो इधर माइनस टू एक्स होना चाहिए। तो माइनस टू एक्स बनाने के लिए हमने क्या किया माइनस वन बाय टू से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस टू से मल्टीप्लाई इधर कर दिया माइनस वन बाय टू किया, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया, इधर इस स्टेप में आ गया ये माइनस इधर प्लस हो गया माइनस वन बाय टू वो प्लस वन बाय टू बन गया। अब ये देखें ये फंक्शन है, फंक्शन की कोई पावर आ रही है आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, उसकी पावर में हम एक जमा कर देंगे वही पावर उसके ओवर में ले जाएंगे, इंटीग्रेशन का पावर रूल फार्मूला हमने इस पे अप्लाई कर देना। जब इंटीग्रेशन का पावर रूल फार्मूला हम अप्लाई करेंगे एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा ये आ गया हमारे पास वन बाय टू माइनस वन बाय टू प्लस वन। ये आपको क्लास में बताया था पूरी रोटी है ये हाफ रोटी है, पूरी रोटी में से हाफ रोटी जब माइनस करेंगे तो कितनी रह जाएगी हमारे पास हाफ रोटी रह जाएगी वन बाय टू। यस हाँ वन बाय टू इस वन बाय टू से कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया हमारे पास एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और इसका हमारे पास बन जाएगा सिंपल वही जो टर्म रह गई है वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सी। क्लियर हो गया नेक्स्ट पार्ट 14 है। नेक्स्ट पार्ट 14 नेक्स्ट इसका अगले वाले क्वेश्चन एक और हो जाएगा बस, इसके बाद फिर क्लास खत्म करते हैं। खत्म क्या करनी है जूम ने कहना अब जी मुझे खुद ही बंद कर दो। सही है रिकॉर्डिंग कहाँ से दोबारा ऑन होगी? रिकॉर्डिंग क्या मतलब सर? रिकॉर्डिंग हम कैसे दोबारा सुन सकते हैं जूम पे या व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे आप? मैं व्हाट्सएप पे ना ऐसा करूंगा अली को सेंड कर देता हूँ, अली आपके साथ पर्सनली हर एक के साथ शेयर कर देगा। ओके सर। हाँ क्योंकि अगर ग्रुप में शेयर किया ना ग्रुप में है सारी एक्टिविटी सभी क्लासेस की हो रही है, तो जब ऐसे मतलब बार बार उसमें चैटिंग होती रहेगी ना आपको शेयर कर दूंगा तो आप आगे शेयर कर देना सबके साथ। अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 14, क्वेश्चन वही है हमारे पास। उस क्वेश्चन में हमारे पास सिंपल था साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसमें है एक्स। अब ये हमारे पास है वन और ये हमारे पास फंक्शन है टू। लो जी शाहरुख भी आ गया, शाहरुख लेट हो गया है, इसको निकाल दे भाई। क्यों भाई दोबारा पढ़ाए सारा? शेयर कर दूंगा आपको वॉइस वगैरह सारा कुछ रिकॉर्डिंग है ना इसकी, तो आप उसको देख लेना। आपने बहुत लेट ज्वाइन किया ग्रुप।
बस इतनी बच्ची हैं अभी, इतनी है ना, मतलब अभी चंद एक बच्चों को पता नहीं है मतलब कैसे ज्वाइन करना है, तो वो थोड़ा सा इश्यू पड़ रहा है। हमारी क्लास में सैयद तो कोई भी नहीं था। ये अली है ना, सैयद अली कौन है? मोहम्मद अली था, सैयद तो नहीं था। चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी 3 मिनट रह गए हैं, ये एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। पर्सनल इशू ना डिस्टर्ब करो यहाँ पर भाई। अच्छा अभी ये देखें हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन हमारे पास था एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन जब लेंगे वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इनटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स की डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में भी किया 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब इधर बन गया हमारे पास ये जो माइनस था, इसने क्या कर दिया, इसको अंदर ले आया माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर बेसिकली हमने नीचे वाला पोर्शन एक तो होता है इसमें हम डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन का प्रोसेस होता है अगर ये पावर ना होती 1/2 इसकी पावर ना होती, लेकिन इसमें हमारे पास पावर आ रही है, पावर खत्म करने का तरीका हमारे पास, पावर खत्म करने का तरीका हमारे पास किस तरह है, हमने नीचे वाला पोर्शन ही उसी तरह बना लेना है। नीचे वाला पोर्शन बनाने के लिए हमने क्या किया, जो माइनस इधर थी वो हम अंदर माइनस ले आए उसके साथ। अब नीचे देखें हमारे पास इसके साथ 1 भी आ रहा है, हमने क्या किया अपनी तरफ से 1 इसमें ऐड भी कर लिया, 1 इसमें से माइनस भी कर दिया। 1 जब ऐड करेंगे तो ये एक पोर्शन बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखें 1 ऐड भी कर लिया 1 सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, ये एक पोर्शन बन गया। इनको अलग अलग करने लगा ये एलसीएम 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ये वाला पोर्शन अलग कर दिया माइनस 1 के नीचे ये पोर्शन अलग हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये करते हैं हम, इधर देखें हमारे पास इस फंक्शन में, अच्छा अभी टाइम भी 1 मिनट रह गया, अगर कंप्लीट हो गया ठीक है, अदरवाइज नहीं तो इसको कर लेंगे डिस्कस नेक्स्ट। अब ये देखें ये पोर्शन आ गया हमारे पास और इधर से दूसरा पोर्शन आ गया, ये नीचे कितनी रोटी है 1/2 हाफ रोटी है, ऊपर कितनी रोटी है हमारे पास पूरी, आधी रोटी कैंसिल करके ऊपर कितनी रह जाएगी हमारे पास हाफ, ठीक है, और ये हमारे पास माइनस 1 बाय। अब आपको थोड़ा बहुत याद आता होगा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8, हसन याद है? यस सर, वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब जब हमारे पास हो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तब हम क्या पुट करते हैं? यस सर, अगर हमारे पास मैंने कहा इसमें हो इंटीग्रेशन